इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क भर में मोदी हुकूमत के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। वैसे भी पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। JNU हो या तो यूनिवर्सिटी या तलबा हो, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ उनका एहतजाज सख्त होता जा रहा, आवाज़ और भी ज़्यादा बुलंद होती जा रही है। बेलगाम शहर में भी आज पूरे भारत बंद को लेकर जिस कदर मजदूर तंजीमों ने, मजदूर संगठनों ने बंद का ऐलान किया था और उन्हें एक एहतजाजी रैली निकाली है इस हुकूमत के ख़िलाफ़। अभी अभी सुन रहे थे कि कई सारे लोगों का कहना है कि देश के अंदर धर्म के नाम पर बांटने की मरकजी हुकूमत की साजिश है, जिसे नाकाम करने के लिए पूरे देशवासी उठ खड़े हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो आज का जो एहतजाज है सर, ये जो प्रोटेस्ट रैली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? पूरे देश में आज भारत बंद का ऐलान किया। 2014 में जिन्होंने वादे किए थे कि अच्छे दिन लेकर आएंगे, 15 लाख लेकर आएंगे, सबके हाथ में हाथ होगा, सबके हाथ में जॉब होगा और कंप्यूटर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो बात उन्होंने की थी, उस बात पे आज वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि ये अपने बात पर मुकर चुके हैं। दे हैव टोटली फेल्ड टू गिव डिलीवर द प्रोमिसज विच ही हैव मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2014। वो जो एजेंडा था अपना, कैनवासिंग जो था उस टाइम पे, कि लोगों को मतलब जिस तरीके से एश्योरेंस दिए थे कि ये सभी चीज़ें हो गए, जब हम पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे तो ये बोलते हैं नहीं, ये वो तो एक जुमला था। सर, हमको जुमलाबाजी नहीं चाहिए, हम यही चाहते हैं कि सत्ते में जब आते हैं तो व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द प्रोमिसज विच यू हैव गिवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, देन इट इज़ बेटर टू रिज़ाइन एंड फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट। हम यही चाहते हैं कि जो सत्ते पे अभी लोग यहाँ पे भीड़ मतलब हुआ है, यहाँ पे जो दंगे फसाद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ पीपल, मतलब भारत की जो लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि जिस मुद्दे पे बात करना है वो मुद्दा तो हो नहीं रहा, दूसरी बात हो रहा है। जैसे कि कुछ मान के चलिए, कुछ अगर हम कोई बंदा पूछता है कि एम्प्लॉयमेंट किधर है, 2 करोड़ मतलब एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट करने वाले थे सालाना में, वो कहाँ है? GDP मतलब गिर चुका है 1.5, वो कहाँ पे आ चुका है, इसकी बात पे हम बात करेंगे। अभी तक पिछले 6 साल में से प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट कंडक्टेड एनी सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक, ये बड़ी बात है। कि और जिस तरीके से जो मीडिया की जो जिम्मेदारी है, जो कि वो आप क्वेश्चन करना चाहिए था जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को, ये नहीं कर पा रही है। हालांकि मैं सबकी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद मीडिया ऐसे हैं, दे आर वेरी एक्टिंग वेरी प्रोफेशनली, जैसे कि उनका एथिक्स वो जानकर सवाल जिस तरीके से पूछना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं, मतलब छिलके खाते हैं या मतलब उसको कट करके खाते हैं, सवाल ये है कि GDP जो रेट है वो कितना है अभी प्रेजेंट, और उसके लिए आपने क्या स्टेप ले करा है। अभी 8.10 जो पहले का जो GDP था बिफोर 2014 एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन बाय 1.5। आप मान के चलिए 1% GDP कम होता है तो इट इज़ क्रिएटिंग 30 लाख अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मुद्दे पे आता है, यहाँ पे करोड़ों का मतलब पैसों का यहाँ पे चीज़ें आती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, देश से कोई बड़ा नहीं है और ना मोदी है ना शाह है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ यही चाहिए कि अगर जब देश की बातें हैं तो अपना आवाज़ उठाइए, बेफौक आवाज़ उठाइए, और जिस तरीके से जो कन्फ्यूज़न है NRC CAA और जिस तरीके से इसके बारे में आप बोल रहे हो ना, गुमराह कर रहे हो लोगों को, यू हैव टू फ्रेम सर्टन पॉलिसीज वेर इन पीपल शुड नो क्लियरली वॉट काइंड ऑफ थिंग्स यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट इन द कंट्री। वेन देर इज़ अ कन्फ्यूजन यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट यू जस्ट डाइवर्ट द मैटर इन द नेम ऑफ रिलीजियस, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, आज एक जुट चुके हैं। जब BJP वाले मतलब बल्लारी में एक MLA बोलता है कि ऐसे प्रोवोकिंग स्टेटमेंट जब देते हैं तो वाई द प्रेजेंट BJP स्टेट प्रेजेंट BJP मेम्बर्स आर दे आर वेरी साइलेंट, वाई दे आर नॉट, उनको मतलब एक सबक, एक उनको एक मतलब बताना चाहिए था कि ऐसा बोलना गलत है, यू आर डिस्टर्बिंग द पीस एंड हारमोनी ऑफ द सोसाइटी।
वाई यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट सच एमएलए। ये मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट ना दे, और जिस तरीके से जो देश में जो प्रोमिसज किए थे, सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाने से कुछ नहीं होता भाई। अभी देखिए जब सवाल की बात आते हैं तो हम कुछ सवाल कर दें तो ऐसा नहीं है कि इसको टारगेट करो उसको टारगेट करो, टारगेट करने की बात नहीं है। मैं प्रेस नहीं करता हूँ, अगर मान के चलिए घर में कुछ मैं गलती कर रहा हूँ और मेरे पिताजी पूछते हैं कि तू मतलब यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहा है, देन यू थिंक दैट दैट पर्सन इज रॉन्ग अगेंस्ट यू और यू थिंक दैट पर्सन इज टोटली अगेंस्ट यू। सिस्टम के अगेंस्ट हम कोई नहीं है और ना ही हम होना चाहते हैं, बट क्या है अगर कुछ कमियां है गलतियां है हम दैट इज़ व्हाट वी आर ब्रिंगिंग टू अवर नोटिस। हम यही कंसर्न रखते हैं कि आप ऐसे जो मुद्दे हैं जिस तरीके से द वे द वॉइस ऑफ द पर्सन हैव बीन टोटली सप्रेसिंग वो बंद कीजिए। पहली बात कोई भी हो रहने दो, आप चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो या आम आदमी पार्टी हो या आपके भक्त हो या अंधभक्त हो या दूसरे कोई आम आदमी पार्टी जो भी हो, उनसे बैठ के राय मशवरा लीजिए, सलाह लीजिए, अच्छा सलाह मिलता है तो उनसे लीजिए। क्या है मतलब ऐसा नहीं है कि जो देश चला रहे भाई थोड़ी गुजरात मॉडल दिखा रहे हैं आप इंडिया में, ऐसा नहीं होता है। थोड़े चेंजेस आपसे भी गलती हुआ है तो लोगों का व्यू ले लीजिए, सजेशन ले लीजिए, देन यू फ्रेम द रूल्स। जैसा कि इकोनॉमिक कंडीशन जो गिर चुका है टोटली, इट हैज़ टोटली कम डाउन, लोगों को पता नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है देश में, तो दे आर टोटली इन कन्फ्यूजन। कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, खास करके यंगस्टर के लिए जो कि आगे की मतलब जो देश की जो एक शक्ति है, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप फॉरवर्ड आ जाइए, बेफॉक बोलिए, डरने की कोई बात नहीं है। ओके, हम जिस चीज़ के लिए हम सही आवाज़ उठाते हैं, पीपल आर ऑलवेज देयर फॉर योर सपोर्ट एंड वी आर ऑल्सो देयर फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। विठल उपारे, एडवोकेट, बेलगाम। उपारे साहब एक सवाल जी, जिस तरह से जेएनयू का मामला देख सकते हैं, फिर उससे पहले जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज़, आपने जैसा कहा कि यूथ को आगे बढ़कर आना चाहिए और यूथ ही इस देश का भविष्य है, वही देश को संवार सकता है, लेकिन यहाँ पर जो नकाबपोश गुंडागर्दी की जा रही है यहाँ पर आकर यूनिवर्सिटी में, और पुलिस के मौजूदगी में वो अंदर दाखिल होते हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा ये तरीका रहता है कि अंदर जाने से पहले दस्तखत करनी पड़ती है, उसका आईडी देना पड़ता है, तो ये 150-200 लोग नकाबपोश अंदर आते हैं और वो मारपीट करते हैं। इससे पहले भी जो है पुलिस जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर जो है वो वहाँ जाकर बड़ी बर्बरता से उन्होंने बच्चों को पिटा था। अब ये ऐसे माहौल में, डर खौफ के माहौल में यूथ कैसे आगे आएगा बताइए। देखिए पहली बात तो ये है, यूथ ये पहले जान ले कि यूथ जो है वो सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रही है, और किसी के बहकावे में या किसी कहने पे ये मतलब ये लोग अपना शुद्ध बुद्धि नहीं खोना चाहिए। बस यही बता रहे हैं, जो लोग यहाँ पे जेएनयू में आए थे और जिस तरीके से मतलब दंगा मचा वहाँ पे किए थे, आई टोटली कंडेम। जो भी गलती किया हो, चाहे भी किसने भी विथ रॉन्ग इंटेंशन दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, ओके, दंगा फसाद उन्होंने जो किया है तो मैं उनका कंडेम करता हूँ। ये चीज़ है, और यही 5 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाई, और देर इज़ नो चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड, क्योंकि ये कंप्लेंट वगैरह नहीं लिया, कि अभी तक कंप्लेंट नहीं लिया तो चार्जशीट तो बाद में आएगा, पहले कंप्लेंट तो लेना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है, किसी के दबाव में ये काम चल रहा है एंड इट इज़ अ स्पॉन्सर्ड गुंडागिरिज्म, हम ये कंडेम करते हैं। और बात रही जिस तरीके से मतलब यूथ आगे आके इसको मतलब ये आवाज़ अपना उठा सकती है, देखिए जब सच बोलने के लिए आपको मतलब किसी की सहारा ज़रूरत नहीं है, आप ये बात सोच के चलिए कि आप बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, ऐसे ज़िंदगी क्या जो जिल्लत की ज़िंदगी जिए। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि एक चूहे की तरह 100 साल जीने से ना, आप सच बोल के 2 दिन जिंदगी दी के बताइए, आपको दिल को तसल्ली होगा। इवत्तिन नम्म कार्मिकर ओंदु संघटने करेयन्नु एल्ल नम्म केंद्र सरकार इदक्के नावु विरोधवागि केलवोंदु ईग अवरु एनु माड्ता इद्दारे अंद्रे केंद्र ओळगे एल्ल कंपनि गवर्नमेंट आफ् इंडिया इद्दिद्दु एल्ल प्राइवेटैसेशन माड्ता इद्दारे, पब्लिक सेक्टर एल्ल ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಲೆಟೆಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕನಗಲ ಇದು ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ, ಈ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 252 ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
मिनिमम वेजस् कूड़ा दिन नौकरी वेजस् कूड़ा हेच्चागबेकु इदु इदु 21 सावर आगबेकंत हेळि नावु एष्टो सल अवरु मनवरिके माडिद्रु इन्नु आगिल्ल इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद अरे आवाज दो हम एक है आवाज दो हम एक है। अभी देखिए ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो चल रहा है ना ये इसका इफेक्ट बहुत बुरा होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ दो कैटेगरी का लोग रहेगा, एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास, एक रिच क्लास और एक लेबर क्लास। और पिछले दिनों में जब हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारी जैसे गुलामी की हालत थी वो गुलामी की हालत और दोबारा इधर आने के चांस है, तो इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, इसको हम रोकना हम सभी भारतीयों का ये फर्ज बनता है कि हम ये प्राइवेटाइजेशन को रोकना है। ये पूरे देश के अंदर जितने भी कार्मिक वर्ग के लोग हैं सब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, नियर अबाउट 25 से 30 करोड़ लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन कोई दिखा रहा नहीं इसको। आज क्यों लोग सड़कों पर आए हैं, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ के अंदर लोग परेशान हो गए हैं, बच्चे पढ़ लिख कर वो सड़कों पर घूम रहे हैं, बीटेक बी एमटेक करके वो चपरासी की नौकरी करने के लिए मजबूर हुए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या है, जब ये मुद्दे जब हम उठाते हैं तो गवर्नमेंट कौन सा मुद्दा उठाती है, CAA NRC फिर उसके बाद में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान आता है बीच में, अरे उनको लेके हमको क्या करने का है, लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रहे हैं, आज पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं जो जिसको सार्वजनिक उद्यम कहते हैं लोग, जो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो सबसे आगे थे उनको आज बेचने के ऊपर बैठे हैं ये लोग प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनी वाले आगे बढ़कर गवर्नमेंट कंपनियों को लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आज गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है, अगर कोई आवाज़ उठाता है उनके खिलाफ तो वो देशद्रोही बनता है। जो वो लोग जो कहते हैं हम वही कहना चाहिए, वो लोग जो सुनना चाहते हैं हम वही कहना चाहिए, अगर उसके खिलाफ में अगर उनके खिलाफ में अगर हम कुछ कोई बात करते हैं तो हम देशद्रोही बन जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए आज सारे देश के लोग, पूरे देश के वर्कर्स आज रास्तों पर आए हैं, यहाँ कोई न जात है न पात है न धर्म है न भेदभाव है, एक ही समाज है काम करने वाले लोगों का, जो काम करते हैं और उन्हीं की वजह से तो देश इतना आगे बढ़ा है, आज इन लोगों की वजह से देश आगे नहीं आया, तो इसलिए आज गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। और वो लोग हमें कब तक दबाएंगे, एक स्प्रिंग को तुम जब दबाते रहोगे ज़्यादा देर तक दबाएंगे तो एक ना एक दिन उछलेगा और उसके बाद में जो क्रांति आएगी उसे आप रोक नहीं पाएंगे, और क्रांति एक दिन आने वाली और आएगी आकर रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। अभी भी गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि ये वर्कर्स का क्या ये है, इनका उद्देश्य क्या है, ना पेंशन मिल रही है, ना कार्मिक लोगों को ना PF मिल रहा है, ना ग्रेच्युटी मिल रही है, ना मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, कानून तो बनाया है इन्होंने 18,000 मिनिमम वेजेस मिलेगा सबको, ये कानून बनाया है, सबको सब मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि कौन सा उद्योगपति कौन से कंपनी के अंदर इन कानून को पालन कर रहा है, इस कानून का किसी भी कंपनी में जाओ वहाँ पर ना PF दिया जा रहा है, ना मिनिमम वेजेस दिया जा रहा है, ESI नहीं है, ना ESI दिया जा रहा है, ना उनको छुट्टी दी जा रही है, कोई चीज नहीं मिल रही है। सर आप ये क्यों लगाए हुए मुंह को चेहरे को, ये देखो ये मुंह ऐसे लगाया है हमारा, कोई एक आदमी ने पूरा देश ऐसा मुंह पर लगाया है। अच्छा। मोदी गवर्नमेंट वो हमारा संविधान को खिलाफ ये कर रहे हैं, संविधान को देश को ये कर रहे हैं, ब्रिटिश लोग बहुत अच्छा था। आपके हिसाब से पूरा देश आईसीयू में है? आईसीयू में है, पूरा देश आईसीयू में है। देखो हमारा कोई ये नहीं, सभी लोग ऐसे है खाना भूख मर रहे है, उसको डेली एक एक रून चेंज कर रहे हैं, डेली एक एक रून आधार कार्ड चेंज कर रहे हैं, अभी रेशन नहीं मिल रहे हैं, फिर एक बार दम दे दो पूरा नौकरी छोड़ के उसको रेशन का पीछे पड़ने का, देश के लोग ऐसे ही ये बनाया है, देश का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अच्छा था उसको भी बहुत खराब हुआ है। जिस तरह से पूरा देश में बेरोजगारी फैली हुई है,
जीडीपी जमीन में धंसता जा रहा है और बिल्कुल लोग खाली हो चुके हैं, कारखाने बंद हो चुके हैं और इसके तरफ ध्यान देने के बजाय हिंदू मुस्लिम गाय गोबर की तरफ जो ये ध्यान भटकाया जा रहा है, इस पर ध्यान तवज्जो न देते हुए नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें ताकि ये बहरी गूंगी सरकार इसे सुन सके। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस कदर आज मजदूरों ने अपनी आवाज़ उठाई है और जिस तरह तलबा व तालिबात आवाज़ उठा रहे हैं इस मुल्क के इस हुकूमत की जो गलत पॉलिसियों के खिलाफ, हो सकता है कि उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।